أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ इस वक्त दरसे कुरान के इस सिलसिले में गुज़िश्ता हफ्ते तक सूरतुल बकरा की आयत नंबर 225 तक जो बातें और मजामीन हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी वजाहत के साथ में आप हजरात के सामने अर्ज किए गए। आयत नंबर 225 ये गुज़िश्ता हफ्ते का हमारा दर्स था जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो बातें बयान फरमाई हैं वो बातें तकरीबन मुकम्मल आप हजरात के सामने अर्ज कर दी गई थी। अब आज की जो ये हमारी मजलिस है इसमें बुनियादी तौर पर दो आयात सूरतुल बकरा की वो आप हजरात के सामने तिलावत की हैं और इन्हीं आयात की रोशनी में इंशाअल्लाह बातें अर्ज करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ फरमाए कि अल्लाह हम सबको तमाम बातें सही से समझ करके अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सूरतुल बकरा की जो दो आयात आज हमारे दर्स में हैं इनमें पहली आयत है आयत नंबर 226 और दूसरी आयत है आयत नंबर 227। ये दो आयात हैं जो आज हमने और आपने यहाँ पे पढ़नी है और इसके ताल्लुक से अल्लाह ने जो मसले यहाँ पर जिक्र फरमाए हैं उनकी वजाहत होगी। सबसे पहले मैं इस आयत मुबारका का जो तर्जमा है वो आप हजरात के सामने अर्ज कर देता हूँ। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर इरशाद फरमाया لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ये मैं शुरू में आपके सामने तर्जमा कर रहा हूं। अभी जैसा कि हमेशा होता है शुरू में इसका तर्जमा अभी समझना जरा आसान नहीं होगा लेकिन बहरहाल जो तर्जमा है आयत का वो मैं सुना रहा हूं और इंशाअल्लाह फिर इस आयत की पूरी वजाहत करने के बाद अखीर में फिर दोबारा से इसके जो माना और मतलब है तर्जमे के साथ वो फिर से अर्ज करेंगे। अल्लाह ताला ये इरशाद फरमा रहे लिल्लदीन युलून मिन निसाइहिम वो मुसलमान जो ईला करते हैं मिन निसाइहिम औरतों से तरब्बुसु अरबाती अशहुर उनके लिए रुके रहना है इंतजार करना है चार महीने का। फइन फाऊ फिर अगर वो रुजू कर ले फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम तो अल्लाह ताला मुआफ करने वाला भी है और रहम करने वाला भी है। ये आयत नंबर 226 आगे फरमाया व इन अज़मुत तलाक अगर उन्होंने पुख्ता इरादा कर लिया तलाक का फइन्नल्लाह समीउन अलीम तो बेशक अल्लाह सुनने वाला भी है और अल्लाह जानने वाला भी है। ये दो आयतें हैं जो इस वक्त में मैंने आपके सामने पढ़ी है और इन दो आयतों में अल्लाह ने एक बड़ा अहम मसला बयान फरमाया है बहुत ही काबिल तवज्जो मसला और आप हैरान होंगे
कि आयतें ये दो हैं और कुरानी पाक के अंदर डेढ़ दो लाइन की ये आयतें हैं, लेकिन इसमें अल्लाह ने कितना बड़ा मसला समेट दिया वो अब अंदाजा होगा जब अब हम और आप इसकी वजाहत को सुनेंगे। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो मसला बयान फरमाया है ये तकरीबन तय बात है कि ये मसला अब तक हमारे सामने अगर ये कहा जाए कि एहतियात के साथ में भी कि 95-96% अफराद ने शायद जिंदगी में ना सुना हो तो ये कोई मुबालगा नहीं होगा, और उसकी वजह अभी आप समझ जाएंगे जब आप इसके माना और मतलब को समझेंगे। और ये इतना अहम मसला है, इसके बारे में तफसील हमारी किताबों के अंदर बेपनाह मौजूद है, उलमाए किराम ने इसके मसाइल को दर्ज किया है और बड़ा इल्मी मसला है। तो इसलिए मेरी आपसे थोड़ी सी दरख्वास्त दिए है, वैसे आप हजरात माशाल्लाह मिजाज शनास है और मजलिस का हक पहचानने वाले, लेकिन फिर भी इस मसले में नजाकत बहुत है, बारीकी है, इसलिए बहुत तफसील से समझते चलिएगा ताकि इस मजलिस के अंदर इस मसले का हर पहलू हमारे सामने अच्छी तरह से खुल जाए। जो मसला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन आयात के अंदर बयान फरमाया है उस मसले का उन्वान क्या है, पहले ये समझ लें उसका नाम क्या है। जो मसला इन आयतों के अंदर अल्लाह बयान फरमा रहे उस मसले का नाम है ईला। क्या? ईला। ये लफ्ज कभी सुना है हमने? तो ईला का मसला अल्लाह ने यहां पे बयान फरमाया है कि ईला क्या होता है। ईला इस्लाम में किसे कहा जाता है, ये कब होगा, कैसे होगा, अगर किसी ने कर लिया तो उसके अहकाम क्या होंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने वो सारी बातें वाज़े फरमाई है। उसकी मैं अब पूरी तफसील और पूरा खुलासा आप हज़रात के सामने पेश करने जा रहा हूं। बस सबसे पहले ये याद रखें कि इस मसले का नाम ईला है। ईला अलिफ या लाम अलिफ ईला, तो ये मसला है, मसले ईला। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल बकरा आयत नंबर 226 और आयत नंबर 227 इन दोनों आयतों में इसी मसले को बयान किया। अब जाहिर सी बात है ये फिर मैं वही बात अर्ज करूंगा कि ये कुरान पाक की तफसीर की बरकत है कि ये टॉपिक भी हमारे सामने आते और ये सारे उन्वान हमें सीखने का और समझने का मौका मिलता है, वरना जाहिर सी बात है इन उन्वाना पे बात करने की उमूमन नौबत नहीं आती और इसी वजह से हम और आप सारी जिंदगी इस तरह के मसाइल से गाफिल रह जाते। अब क्या मसला है ये ईला, आपने लफ्ज तो सुन लिया, इसकी वजाहत क्या है, किसे कहा जाता है, अब उसकी जरा तफसील को याद फरमाए। सबसे पहले ये जहन में रखना कि शरीयत की जबान में ईला कहा जाता है अगर कोई शादीशुदा आदमी अपनी बीवी से ये कहे कि मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं 4 महीने तक तुझसे नहीं मिलूंगा। ये मेरे अल्फाज जरा याद कीजिएगा, ये पहला जुमला मैंने बताया, आदमी अपनी अहलिया से ये कहता है कि मैं खुदा की कसम खाता हूं मैं तुमसे 4 महीने तक नहीं मिलूंगा, ये पहला जुमला। दूसरा जुमला, आदमी अपनी बीवी से ये कहे
कि मैं खुदा की कसम खाता हूं मैं तुझसे नहीं मिलूंगा। दोनों में फर्क हो गया थोड़ा सा, आप जरा जहन में बिठाइएगा, ये दूसरा जुमला हो गया। तीसरा जुमला, आदमी अपनी बीवी से ये कहे कि मैं खुदा की कसम खा करके कहता हूं मैं कभी भी तुझसे नहीं मिलूंगा, ये तीसरा जुमला है। ये तीन जुमले आपके सामने मैंने अर्ज किए। सबसे पहला मैंने जुमला बताया कि आदमी अपनी अहलिया से ये कहे कि मैं खुदा की कसम खाता हूं 4 महीने तक तुझसे नहीं मिलूंगा, एक जुमला। दूसरा जुमला बताया कि आदमी ये कहे कि मैं खुदा की कसम खाता हूं मैं तुझसे नहीं मिलूंगा। और तीसरा जुमला ये कि आदमी कहे कि मैं खुदा की कसम खा करके कहता हूं मैं तुझसे कभी नहीं मिलूंगा। ये तीन जुमले अगर किसी बंदे ने अपनी बीवी के लिए इस्तेमाल किए, शरीयत में इसे कहा जाता है कि इस बंदे ने ईला किया है। यह है ईला का मसला, ये बंदा ईला करने वाला है, इसने ईला किया है। भाई जुमले याद हो गए सब अगर आपको, ये जुमले जहन में रखिएगा। पहला जुमला मैंने क्या बताया, सब कहें कि आप बेझिझक होके कहें, आप ये ना समझे कि हम कहीं मसले में ना फंस जाए। आप ये सुना रहे हैं सबक, इसमें आप पे मसला नहीं लागू होगा। तो पहला जुमला क्या बताया, खुदा की कसम मैं 4 महीने नहीं मिलूंगा। दूसरा जुमला मैंने क्या बताया, खुदा की कसम मैं तुझसे नहीं मिलूंगा। और तीसरा जुमला ये बताया क्या, खुदा की कसम तुझसे कभी नहीं मिलूंगा। ये तीन जुमले अगर किसी बंदे ने अपनी बीवी को इनमें से कोई एक जुमला कहा, तो शरीयत ये कहती है कि इस बंदे ने क्या किया है, ईला किया है। ये है ईला शरीयत में, जिसे अल्लाह ने सूरतुल बकरा आयत नंबर 226 और 227 के अंदर जिक्र फरमाया। ये तो वो अल्फाज हो गए जो जिस पर ईले की बुनियाद पड़ेगी। जब ये अल्फाज बोले जाएंगे तो ईला हो जाएगा। और इन तमाम अल्फाज में जो ये लफ्ज आया कि मैं तुझसे नहीं मिलूंगा, मिलने का मतलब ये नहीं है कि मतलब जैसे घर में बैठना बातचीत, मिलने का मतलब है शौहर बीवी के जो आपस के खास मुआमलात हैं उनसे बचने की आदमी कसम खा रहा है कि मैं उन अमाल से दूर रहूंगा। बाकी नॉर्मली मिलना जुलना, साथ में बैठना, खाना, यहां तक कि सो भी जाना, ये कोई मसला नहीं है। इससे अंदर जो मिलने से मुराद है वो शौहर बीवी के पर्सनली मुआमलात हैं, अल्लाह ने उन्हें यहां पर मुराद लिया और वो सारी चीजें इसमें दाखिल है। अब ये समझने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात को ये समझ में आ गया होगा कि शरीयत की निगाह में ईला का जो मसला है ये पैदा कैसे होगा। अब हुक्म क्या लगेगा, क्या क्या इसके मसले होंगे, वो अभी बाद में, अभी पहले हमने ये समझना है कि ये होगा कैसे ईला। तो उसका मैंने तरीका बताया, ये तीन जुमले हैं। पहला जुमला के 4 महीने तक खुदा की कसम खा करके कह रहे हैं नहीं मिलूंगा। दूसरा जुमला मैंने बताया कि वो बंदा ये कह रहे हैं कि खुदा की कसम मैं तुझसे नहीं मिलूंगा, न 4 महीने न हमेशा, कुछ नहीं कह रहा, बस आम सी बात। और तीसरा जुमला ये कि खुदा की कसम कभी नहीं मिलूंगा। तो ये तीन जुमले अलग अलग हो गए। और जिसने ये तीन जुमले अपनी बीवी के लिए इस्तेमाल किए हैं वो बंदा शरीयत में ईला करने वाला कहलाएगा। अल्लाह उसके अहकाम यहां पे बयान फरमाए। एक बात, दूसरी बात एक और जरा सी यहां पे जहन में रखें
दूसरी चीज भी यहां पे याद रखने के लायक है कि ये तीनों जुमले जो आपने सुने, ये जुमले आदमी चाहे खुदा की कसम के लफ्ज के साथ में कहे और चाहे तो खुदा की कसम ना कह करके कोई बड़ी भारी भरकम चीज का जुर्माना अपने ऊपर रख दे। मिसाल के तौर पर क्या आदमी ये कहता है कि खुदा की कसम खाता हूं मैं तुझसे 4 महीने नहीं मिलूंगा, ये तो क्या हो गया ईला, ये क्या हो गया ईला। इसमें चाक चौबंद रहिएगा, जेहन को हाजिर रखिएगा, वरना मसला अगर कहीं दरमियान में छूटा तो आगे अपना फिर काबू करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको गिरफ्त में रखिएगा। तो ये तो ईला हो गया, लेकिन अगर खुदा की कसम की जगह किस कोई दूसरा लफ्ज ले आया, मिसाल के तौर पर आदमी ने कहा कि मैं तुझसे 4 महीने तक नहीं मिलूंगा, अगर मैं तुझसे मिला तो फिर मेरे जिम्मे 1 महीने के रोजे लाजिम है, यानी मैं 4 महीने तक तुझसे नहीं मिलूंगा और अगर मिला तो मेरे जिम्मे क्या जुर्माना है 1 महीने के रोजे। तो या तो खुदा की कसम का लफ्ज जिक्र कर दे और या खुदा की कसम का लफ्ज ना जिक्र करके कोई ऐसा भारी जुर्माना अपने जिम्मे लाजिम कर ले, जैसे ये मैंने 1 महीने के रोजे बताए। तो अगर ये भी उसने कर दिया, ऐसी सूरत में भी कहा जाएगा कि इस बंदे ने ईला किया है, ये बंदा ईला करने वाला शुमार होगा। ये 2 कंडीशन है इस अंदाज के अंदर बुनियादी तौर पर यहां पर ईला हो जाता है। अब इतनी बात सबके जहन में बैठ गई है, अब इसको याद करने के बाद और ये चीज जहन में बिठाने के बाद ये जो 3 जुमले मैंने बताए हैं, अब आता है मसला कि ये तो समझ में आ गया कि ये जुमले अगर कहे तो ईला हो गया, लेकिन ईले का मतलब क्या है, यानी होगा क्या, इसका इंपैक्ट क्या है, इसका नतीजा और असर क्या है, यानी शौहर बीवी के मामलात में क्या नतीजा जाहिर होगा अगर किसी ने इस अंदाज के जुमले बोले। तो वो चीज अब जरा हमें समझनी है कि शौहर बीवी के मुआमलात की तफसील क्या होगी। जुमले मैंने कितने बताए ईला के, 3 जुमले। इनमें से जो पहला वाला जुमला है उसकी तफसील और डिटेल अलग है और दूसरे जो 2 जुमले उनकी तफसील अलग है। सबसे पहले मैं वो बताता हूं कि जो सबसे पहला जुमला है, अगर किसी ने अपनी बीवी को वो जुमला बोला तो फिर शरीयत उस पर क्या क्या अहकाम लागू करती है वो समझ ले। क्या था सबसे पहला जुमला 3 में से, सब बोल लीजिए मेरे भाई, क्या था? 4 महीने नहीं मिलूंगा, खुदा की कसम खा के कहता है कि मैं तुझसे 4 महीने नहीं मिलूंगा, ये पहला जुमला। अब अगर किसी ने ये जुमला कह दिया क्या होगा, ईला तो हो गया, लेकिन ईले का मतलब क्या है, अब जरा वो समझ लो। शरीयत ये कहती है जिस बंदे ने आज की तारीख में अपनी बीवी को ये जुमला कहा कि खुदा की कसम 4 महीने तक तुझसे नहीं मिलूंगा, तो इस्लाम का कहना यह है कि ईला हो गया। अब इसको करना क्या है, शरीयत यह कहती है अगर इन 4 महीनों के पहले, 4 महीनों से पहले, ये जो 4 महीने का टाइम है इसके पूरा होने से पहले अगर ये मिल लिया अपनी बीवी से तो क्या होगा, शरीयत का कहना यह है कि इसने चूंकि कसम खाई थी ना और वो कसम तोड़ दी है, लिहाजा क्या देना पड़ेगा, कसम का कफारा,
कसम खाई थी ना इसने कि जी मैं कसम खाता हूं 4 महीने नहीं मिलूंगा, और मिल लिया 4 महीने से पहले तो क्या देगा ये कसम का कफारा, कसम तोड़ी आप कफारा दो। और कसम का कफारा क्या है वो हम सबको याद है अल्हम्दुलिल्लाह, सबको मालूम है क्या करना है कसम के कफारे में। सब बोलो भाई 10 गरीबों को कितने टाइम का, 2 या 10, 2 टाइम का खाना खिलाना है। कितने टाइम का, 2 टाइम का। या दूसरा ऑप्शन है कि क्या करें आप, रोजा तो बाद में है, पहले राय वालों का भी तो ख्याल फरमाइए। हाँ दूसरा ऑप्शन 10 गरीबों को क्या दीजिए, कपड़ा दीजिए, उनको एक एक सूट दीजिए, हर बंदे को एक एक सूट, ये दूसरा है। फिर तीसरा है कि आप क्या करें, क्या करें, रोजा, 3 रोजे, ये तरतीब है। तो 10 गरीबों को 2 वक्त का खाना, या 10 गरीबों को एक एक जोड़ी कपड़ा, और या 3 रोजे, ये कसम का कफारा है। तो शरीयत का कहना यह है कि जिन साहब ने अपनी बेगम से यह कहा कि खुदा की कसम 4 महीने नहीं मिलूंगा और जनाबे वाला 2 महीने ही मिल लिए, तो अब ऐसी सूरत में ये क्या देंगे, कसम का कफारा, कसम तोड़ी या कफारा अदा करेंगे, कसम तोड़ दी कफारा दिया जाएगा। निकाह इनका बाकी रहेगा, निकाह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जरा समझना, निकाह बाकी रहेगा, निकाह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही निकाह दोबारा करने की जरूरत, जैसे रह रहे थे बस वैसे ही रहते रहेंगे आराम से, और जो ये ईला हुआ था ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि कसम थी ना वो, कसम टूट गई, कफारा दे दिया, मामला खत्म, सब चीज का मामला खत्म, कोई तलाक नहीं, कोई दोबारा निकाह नहीं, कोई मसला नहीं, बस क्या देना पड़ेगा, कफारा, और मामला खत्म, रफा दफा, चले मामला निमट गया। लेकिन आप कहेंगे कि जी क्या जरूरत थी 4 महीने पहले मिलने की, 4 महीने बाद मिल लेता तो फिर क्या ना देना पड़ता, कफारा। अगर इस बंदे ने 4 महीने पूरे कर लिए और नहीं मिला, शरीयत कहती है 4 महीने जैसे ही पूरे होंगे फौरन इसकी औरत को तलाके बाइन पड़ जाएगी, जैसे ही 4 महीने पूरे होंगे औरत पे क्या पड़ जाएगी, तलाके बाइन। ये लफ्ज कह लीजिए जबान से, मैं अभी इसे भी समझाऊंगा कि तलाके बाइन का मतलब क्या है। तो जब इसने कहा कि 4 महीने खुदा की कसम नहीं मिलूंगा, अगर 4 महीने से पहले मिलता है तो क्या करना पड़ेगा, कफारा दे, और अगर बेचारा अपनी कसम को पूरा कर लेता है और 4 महीने तक नहीं मिलता, जैसे ही 4 महीने पूरे होंगे फौरन औरत पे तलाक पड़ जाएगी। अब वैसे ही नहीं मिल सकता, अब तो तलाकी होगी। इसीलिए शरीयत के अंदर इस बंदे के लिए ना जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया अरबी जबान में, वह बड़ा दिलचस्प है अरबी जबान में, क्योंकि यह बंदा ना मतलब ना इधर का ना उधर का है, या नहीं ऐसी सिचुएशन भाई, जिसने ये जुमला अपनी जबान से कहा वो या तो इस खाई में गया या इधर गया, बचने का कोई जुगाड़ नहीं है जनाबे वाला, ये आपको चूज करना पड़ेगा कि खाई में गिरेंगे या सांप से कटवाएंगे, एक तरफ तो जा नहीं है। तो जिस बंदे ने अपनी बेगम को कहा खुदा की कसम 4 महीने नहीं मिलूंगा, 4 से पहले मिला तो क्या होगा, कफारा, और 4 पूरे हो गए फौरन क्या पड़ जाएगी, तलाक पड़ जाएगी। अब वैसे ही नहीं मिल सकता, अरबी जबान में चूंकि ईला है ये, इसलिए जो बंदा ये ईला करने वाला है
अरबी में इसको कहा जाता है मूली। क्या बोलते हैं? मूली। जी हां, वही जो आप समझ रहे हैं, वो सलात वाली मूली। ये अरबी में इसके लिए लफ्ज है बाकायदा। अरबी जबान में इसे कहा जाता है कि ये बंदा मूली है। अब ये हमारी उर्दू वाली मूली नहीं है, ये अरबी का मूली है। अरबी के अंदर मूली का तर्जमा क्या होगा? वो बंदा जो ईला करने वाला हो उसे मूली कहा जाएगा। अजी समझ में आ गया ना? हर जगह का अपना मामला अलग है। बहरहाल ये मूली हो गया। अब किसी भी जबान में हो, जबान से देखें कैसा फर्क पड़ गया। मैं पहले भी कई बार इसकी मिसालें देता हूं, यहां भी देखें। इस पे तो बड़ा दिलचस्प मामला हुआ था। एक साहब मदरसे आए थे, 3-4 साल पहले की बात है। उन्होंने आके जो मुझसे मिले, पूछा मसला कि मैंने ये अल्फाज कहे हैं, मेरे बारे में क्या हुक्म है। मैंने कहा आप मूली हैं। उन्होंने ये अल्फाज बताए कि जी मैंने ये अल्फाज कहे, मेरे बारे में क्या हुक्म है। मैंने कहा आप मूली हैं। वो वही दरसगाह से ना फौरन उठ के चल दिए, एक नहीं सुनी, सीधे बाहर और जाकर के एक दूसरे उस्ताद मिले। उन्हें किसको बिठा रखा, किसको बिठा रखा? उन्होंने कहा जी क्या हुआ? उन्होंने कहा मैंने तो बड़े अदब से मसला पूछा कि ये हुआ है मेरे साथ। अब वो भी सुन रहे थे उनकी बात। कहा मैंने बड़े अदब से कहा कि जी ऐसा ऐसा हुआ है, और सारी बात सुनने के बाद में उन्होंने कोई तवज्जो ना देके ये कह दिया आप मूली हो। तो वो हमारे बड़े उस्ताद थे मदरसे के, उन्होंने कहा वाकई में मूली हो भाई, आप वाकई में हो। अब तो उसे लगा जब 2-4 बंदे कह देना तो आदमी को खुद अपने ऊपर डाउट होने लगता है कि कहीं कुछ ऐसी मेरे साथ में शक्ल तो नहीं है या कुछ मामला तो नहीं है जिसकी वजह से सभी बंदे कह रहे हैं मुझे। उन्होंने कहा वाकई हो भैया। फिर उन्होंने उन्हें थोड़ा सा मौका दिया, चूंकि वहां वो रुके तो उन्होंने समझाए कि जी मूली का मतलब ये है कि आप ईला करने वाले हो गए हो, और ईला करने वाले को अरबी जबान में क्या कहा जाता है? मूली। अरबी जबान में तो अरबी की मूली है, आप उर्दू वाली मूली नहीं। हमारे बिजनौर में, जिला बिजनौर में एक गांव है। कुछ वक्त पहले अजीब वहां की रूदात सामने आई। ये गांव देहात वाले ना नाम बिगाड़ के रखते हैं, जो असल नाम है वो छोड़ देंगे और एक अलग से रखेंगे हर आदमी का नाम। बहुत रखे जाते हैं गांव देहात में, आज भी बड़ा रिवाज है। हत्ता कि अगर आप जाकर के असली नाम लेंगे ना तो लोग कह देंगे ये तो शायद कोई मरवर गया होगा, अब तो है नहीं इस नाम का कोई आदमी। जब आप उन्हें वो बिगड़ा हुआ नाम बताएंगे तब सबको याद आएगा उस गली में रहता है। वहां पे 2 भाई हैं, उनका नाम गांव वालों ने एक का रख रखा था बकरा। सारा गांव उसे बकरा कहता, भाई बकरे के घर जा रहे हैं, बकरे के घर, बकरा। दूसरा भाई उसका नाम था छकरा। एक बकरा और एक छकरा, दोनों भाई। वह एक उनमें से आज भी, मैं फिलहाल बकरे का किस्सा सुना रहा हूं, वो सुन लीजिए, छकरा मौजूद है। अब अल्लाह का करना, ये जो बकरा था ये बीमार हुआ, सख्त बीमार, बिल्कुल मतलब हालत खस्ता हो गई। सब ने जवाब दे दिया, बिल्कुल लगने लगा कि जनाब अब ये मरने के करीब है। उन्होंने जिले के अस्पताल में कॉल की गांव से कि जी मरीज हैं, अस्पताल में एडमिट कराना है। कॉल की, वहां से जो सरकारी एम्बुलेंस है वो आ गई गांव में कि जी मरीज ले आओ। अब जो आदमी वहां खड़ा था
एम्बुलेंस वाले भी नीचे उतर गए, उन्होंने अपना स्ट्रेचर वगैरह निकाल लिया, उन्होंने कहा लाओ जी। तो वो बंदे कहने लगे ओ भाई बकरे को लाओ जल्दी। वो जो ड्राइवर था वो तो नाराज हो गए, तुम पागल हो गया गांव वालों, एम्बुलेंस तुम्हारे बकरों को लेने आई है, अकल नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर, उसने तो हंगामा खड़ा कर दिया वहां पे। लोग कोई कह रहा है जी सुन तो लो जी देख तो लो, उसने कहा मतलब देखने की कोई बात ही नहीं है, बकरे तुम एम्बुलेंस से भेजोगे और जिले के अस्पताल से तुमने एम्बुलेंस मंगा ली, सरकारी एम्बुलेंस तो वैसे तो मिलती भी नहीं किसी को, तुम्हें मिली तो तुम बकरा भेज रहे इसमें। उन्होंने कॉल लगाई अपने हेड को किसी को कि जी यहां आए हुए तो क्या परेशानी है, कि जी ये तो बकरा दे रहे हैं कि बकरा ले जाओ, बकरा बीमार है, बकरा बीमार है। उसने कहा ऐसा है तुम वापस आओ। ये इतने में निमट निमट कहा के बैठ रहे थे, इतने में लोगों ने कहा बकरा हम ही ले आते हैं बाहर। वो जिस चारपाई पे लेटा था वही चारपाई उठा के लिया, अब उस पे डला हुआ था कपड़ा पूरा, वो दिख ही नहीं रहा, और वो भी रहा छोटा सा, बीमार था मरीज सा था वो आदमी भी छोटा। वो कहने लगे लो जी आ गए बकरा इसे लिटा लो। उन्होंने कहा हम जानवरों को नहीं लिटाते, इंसान बीमार हो तो ठीक है, बकरों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है। फिर बहुत देर के बाद में कोई होगा वहां माशाल्लाह समझदार आदमी, वो करीब गया, उसने उसके मुंह से चादर हटा दी, तो अंदर वो लेटा हुआ मुस्कुरा रहा। उन्होंने कहा ये बकरा है क्या? हाँ जी इसी का तो नाम है बकरा, इसी के लिए तो लड़ाई हो रही है। तब उन्हें समझ में आया अल्लाह के बंदो मतलब क्या बात थी और क्या था और क्या तुमने ये हवाले कर दिए। बहरहाल वो लेके चले गए। यहीं पे खत्म नहीं हुई इसकी दास्ता, आगे भी सुने। वो अस्पताल गया, अल्लाह का करना उसका इंतकाल हो गया, वो रुख्सत हो गया दुनिया से। उसी गांव से कोई औरत अपने मैके गई थी, और मैके से जब वो वापस अपने गांव आ रही थी तो उसके घर पर एक बड़ा खूबसूरत सा बकरा पला हुआ था। उसने कहा कि जी अब्बू ये मैं अपने घर पालना चाह रही। उन्होंने कहा बेटी बाद में ले जाना, अभी रहने दे, मौसम सही नहीं है। उसने जिद की और लेकर के आई। अब वो लेकर के आ गई वहां से अपने घर से वो बकरा असली वाला, और यहां पाल ली थी। उसी गांव का ये किस्सा। अब जब उनके यहां ये नकली वाला बकरा मरा, इसने लड़की ने घर पे फोन किया, इन्होंने कहा कि जी अम्मा जी वो जो बकरा था ना हमारे यहां वो मर गया, वो मर गया। अब उसने हंगामा कर दिया, तुझे देख पहले कहा था ना कि मत लेकर के जा, अभी मौसम सही नहीं है, देखभाल कर नहीं पाएगी। उसने उसे दस सुना। सारी सुनने के बाद वो बोली है जी सुन तो लो, कौन सा बकरा, वो जो आदमी है ना वो मरा है, वो बकरा तो जिंदा खड़ा है हमारा। ये बिजनौरियों की अकल है, सुभान अल्लाह। तो अल्फाज की ताबीर का मैं बताना चाह रहा हूं कि कहां से कहां हो जाता है मामला। ऐसे ही वो बेचारा बंदा मूली सुन के निकल लिया कि जी इन्होंने मूली कहा है, हालांकि मूली से मुराद कौन है, ईला करने वाला, वो बंदा यहां पे मुराद है। तो असल मसला क्या चल रहा था, अब वापस आइए अपने उन्वान पे, उसे जरा याद रखिए। अगर किसी ने कहा कि मैं चार महीने तक तुझसे खुदा की कसम नहीं मिलूंगा, अगर चार महीने से पहले मिला तो क्या देना पड़ेगा, कफारा, और अगर चार महीने पूरे हो गए तो क्या पड़ जाएगी, तलाके बाइन, तलाके बाइन, एक तलाक पड़ेगी लेकिन होगी वो बाइन। क्या मतलब होता है तलाके बाइन का,
वैसे अगले हफ्ते से मुकम्मल टॉपिक हमारा कुरान की आयत पूरा एक रुकू तलाक के उन्वान का शुरू हो रहा है। वहां में सारी तफसील इंशाल्लाह एक एक छोटा छोटा मसला आपके सामने अर्ज करूंगा, लेकिन चूंकि आज यहां ये लफ्ज आया है इसलिए समझा देता हूं ताकि पता रहे तलाके बाइन होती क्या। देखिए शरीयत के अंदर तलाके बाइन उसे कहा जाता है जो जरा भारी भरकम अल्फाज से तलाक दी जाए, जैसे एक आदमी है वो अपनी बीवी को कहता है मैंने तुझे तलाक दी, बस इतना जुमला उसने कहा तो ये भी एक तलाक है और पढ़ भी जाएगी औरत को तलाक और औरत की इद्दत भी शुरू हो जाएगी। लेकिन मसला क्या है कि जब तक उसकी इद्दत चल रही है आदमी चाहे तो उस औरत को दोबारा अपने निकाह में जैसे पहले थे वैसे ले सकता है, निकाह भी दोबारा करने की जरूरत नहीं जब तक इद्दत चल रही। खाली अपनी जबान से कह दे कि जी जो तलाक दी थी मैं उसे खत्म कर रहा हूं, अब हम दोनों वैसे ही रहेंगे जैसे थे, बस खत्म मामला, आप दोनों फिर से रह सकते हो। शरीयत इसे कहती है कि एक तलाक पड़ी लेकिन ये तलाक है तलाक रजई जिसमें रुजू करने का ऑप्शन मौजूद है, यानी आप दोबारा उसके साथ रह सकते हो बगैर दोबारा निकाह की, इसी तरह आप रह सकते हैं। ये एक तलाक है तलाक रजई, यानी पड़ी तो है तलाक लेकिन हल्का है मामला, संभल सकता है, निकाह की दोबारा जरूरत नहीं है, ये एक तलाक रजई। और एक ये है कि आदमी ने अपनी बीवी को कहा कि मैंने तुझे बहुत लंबी चौड़ी मोटी ताजी तलाक दी, बहुत लंबी चौड़ी मोटी ताजी तलाक दी। अब जाहिर सी बात है तलाक का तो लफ्ज यहां भी एक ही बार बोला तो होगी तो ये भी क्या एक ही, लेकिन ये तलाके रजई नहीं होगी, ये तलाके बाइन कहलाएगी। दोनों में फर्क क्या होगा, वहां पर जब तक इद्दत चल रही है बगैर निकाह के दोनों दोबारा से साथ रह सकते, जिस दिन भी ये जबान से कह देगा कि आज से हम दोनों फिर से उसी तरह रहेंगे शौहर बीवी बन के, उसी दिन से इनकी इद्दत तलाक सब खत्म, वहां ये मसला है। लेकिन अगर वो तलाके बाइन पड़ गई तो फिर अगर दोबारा साथ में रहना है रह सकते हो लेकिन निकाह दोबारा करना पड़ेगा, अब आप बगैर निकाह के साथ में नहीं रह सकते। ये फर्क है दोनों में, एक तलाक रजई और एक तलाक बाइन के दरमियान। भाई सबको समझ में आ रहा है ना, जरा वजाहत करें आप। जैसे मसलन किसी बंदे ने अपनी बीवी को कहा कि मैंने तुझे एक तलाक दी, तो बताइए इस तलाक को क्या कहा जाएगा, एक तलाक रजई। अगले हफ्ते इंशाल्लाह एक दो तीन सब सबकी डिटेल में मुकम्मल समझाऊंगा, अभी तो आज ये खाली मुझे तलाक बाइन का लफ्ज समझाना है। तो एक तलाक रजई, लेकिन अगर किसी ने अपनी बीवी के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो ये था कि मैं तुझे बड़ी भारी भरकम लंबी चौड़ी बड़ी सख्त वाली तलाक दे रहा हूं, तो अब क्या पड़ेगी, पड़ेगी एक ही तलाक, क्योंकि तलाक का लफ्ज तो एक ही बार बोला है लेकिन वो रजई नहीं होगी, वो क्या होगी बाइन। और दोनों के दरमियान में फर्क क्या हुआ, अगर वो पहले वाली होती
तो उसमें इद्दत के दौरान ये दोनों साथ रह सकते हैं, अगर चाहें दोबारा से शौहर बीवी बनके, और निकाह की जरूरत नहीं। खाली जबान से इतना कहना है कि भाई हम ये खत्म कर रहे हैं तलाक इद्दत, हम दोबारा से शौहर बीवी, बस इतना कहना और खत्म। लेकिन अगर एक तलाक बाइना पड़ी है तो अब भी रह सकते हैं साथ में, लेकिन क्या करना पड़ेगा, बोलो भाई, निकाह करना पड़ेगा बस। और इमाम साहब की फीस भी तो देनी पड़ेगी जी, वो भी तो होगी ना। बहरहाल इन्हें अगर तलाके बाइन है निकाह दोबारा करना पड़ेगा। अब इस पूरी डिटेल को समझने के बाद में आप हजरात के सामने अब मसला वाज़े होगा कि शरीयत ये कहती है जिस बंदे ने ईला किया और ये कहा कि मैं 4 महीने तेरे करीब नहीं आऊंगा, अगर 4 से पहले आया तो कफारा, और जहां 4 महीने पूरे हुए फौरन इसकी बीवी पर एक तलाक बाइन पड़ जाए। समझ गए सब हजरा? अब एक तलाक बाइन इसके ऊपर पड़ जाएगी, क्या होगा इसका नतीजा? इसका नतीजा यह होगा कि अब वो औरत फौरन क्या करनी शुरू करेगी, इद्दत शुरू हो जाएगी, इद्दत का मामला होगा। अब इद्दत के अंदर या इद्दत के बाद ये जब भी चाहे उससे के साथ रहना रह सकता है, लेकिन इसे क्या करना पड़ेगा, निकाह करना पड़ेगा, बगैर निकाह के साथ नहीं रह सकता। यह है मसला अगर यह पहली वाली सूरत यहां पर पेश आई। मैंने अल्फाज कितने बताए थे ईला के, 3, उनमें से यह पहला लफ्ज था। परेशान ना हुआ, यही समझना मुश्किल था, क्योंकि अब आगे जो है ना वो सब इसी अंदाज का है, वो समझना आसान है, इसमें हमें ज्यादा हिंदी चिंदी करनी पड़ी, आगे का आसान है। दूसरा और तीसरा लफ्ज क्या है, अब जरा वो जहन में बिठाएं। दूसरा लफ्ज ये था कि आदमी अपनी बीवी को कहे कि मैं तुझ तेरे करीब नहीं आऊंगा खुदा की कसम। अब ना तो उसने कहा 4 महीने, ना ये कहा हमेशा, बस इतना कहा खुदा की कसम मैं तेरे पास नहीं आऊंगी, बस इतना जुमला। और तीसरा जुमला क्या था कि खुदा की कसम मैं, अजी बोल लीजिए, कभी तेरे पास नहीं आऊंगा, ये तीसरा जुमला था। तो अब इस दूसरा पहला वाला तो हमने समझ लिया, उसका केस पूरा सामने आ गया। अब अगर ये दूसरा या तीसरा है, अब क्या केस होगा, अब जरा उसे समझ लें। इसमें डिटेल जरा अलग है क्योंकि अल्फाज अलग है। इसमें उसने एक में तो गोलमोल सी बात रख दी और एक में तो कह दिया कभी भी नहीं आऊंगी, तो इसमें जरा इसकी गिरफ्त तकड़ी वाली होगी। अब क्या होगा, जब हमारे यहां पर मैं तलबा को पढ़ा रहा वहां पे ही मसला आया, तो एक तालिबिन बोला कि अब ये वो वाली मूली हो जाएगी जिसको खाने के बाद में पूरे मुंह में झनझनाहट पैदा हो जाती है। पहले तो वो थी सादी वाली के कितनी खा लो फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, अब ये जरा झनझनाने वाली हो जाएगी, क्योंकि मूली तो ये इनमें भी बनेगा, दोनों तीन, दूसरी और तीसरी में भी। अब क्या होगा वो सुनिए जरा इसकी डिटेल, आप अंदाजा लगाइए शरीयत के मसाइल और अहकाम कितने बारीक हैं, और हम और आप कोई भी इन बातों पे ध्यान नहीं देता, हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है जी, बस बढ़िया चल रहा है और मजे की जिंदगी कट रही है।
इसलिए जरूरी है कुरान पाक का समझना हमारे लिए, क्योंकि ये किताब अल्लाह ने इंसान को इंसान बनाने के लिए उतारी है और पूरा एक नमूना जिंदगी का अता फरमाया है, इसलिए इसकी बातें समझनी जरूरी है। कौन सी चीज ऐसी है जो अल्लाह ने नहीं बयान की? हर टॉपिक को इतना खुल करके अल्लाह ने समझाया है ताकि लोग इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारे। अब जरा दूसरी और तीसरी का हुक्म सुने। अगर इस बंदे ने कहा कि खुदा की कसम मैं तुझसे नहीं मिलूंगा, या इसने कहा खुदा की कसम मैं कभी तुझसे नहीं मिलूंगा, तो शरीयत ये कहती है कि अगर 4 महीने से पहले पहले ये मिल ले, कहानी इसने 4, लेकिन शरीयत ने मेयार वो 4 महीने को बनाया। शरीयत का कहना है अगर 4 महीने से पहले मिल लिया तो इसकी कसम टूट जाएगी और ये कफारा अदा करेगा। क्या अदा करेगा? कफारा। जैसे ऊपर वाली मिसाल में था वही यहां, कसम टूट गई, कफारा दे दो और कोई भी पकड़ धकड़ का मामला नहीं है, सब खत्म। ये शरीयत ने यहां पर भी इसमें ऑप्शन रखा, 4 महीने से पहले पहले अगर ये कर लिया। लेकिन शरीयत का कहना यह है कि 4 महीने तक अगर इसने अपनी कसम को नहीं तोड़ा और ये नहीं मिला 4 महीने और 4 महीने पूरे हो गए, तो 4 महीने पूरे होते ही इसकी बीवी पर 1 तलाक-ए-बाइन पड़ जाएगी, जैसे ऊपर पड़ी थी। यहां तक सेम चल रहा है दोनों का। बीवी पर क्या पड़ जाएगी? 1 तलाक-ए-बाइन वो पड़ गई। लेकिन ऊपर वाले मसले में अब जो था आगे वो क्या था? तलाक-ए-बाइन पड़ गई, औरत इद्दत कर रही है, अब चाहे इद्दत में या इद्दत के बाद तुम दोबारा उससे क्या कर सकते हो? निकाह कर सकते हो। यहां पे जो है ना जनाब का पीछा नहीं छूटना। औरत को 1 तलाक-ए-बाइन पड़ गई, अब सुनिए मजा तो अब आएगा। 1 तलाक-ए-बाइन पड़ गई औरत को और औरत ने क्या करनी शुरू कर दी? इद्दत। अब मान लीजिए औरत ने इद्दत पूरी कर ली, ठीक है, अब इसका मूड बना, इसने कहा लाओ मैं दोबारा इससे निकाह कर लूं, दोबारा इससे मैं निकाह कर लूं, इसने दोबारा निकाह पढ़वा लिया। शरीयत ये कहती है जब दोबारा निकाह होगा तो वो जो कसम खा रखी है ना वो फिर चालू हो जाएगी, फिर चालू हो जाएगी। दोबारा निकाह हो गया, निकाह तो ठीक है, लेकिन निकाह के बाद अगर 4 महीने फिर से गिने जाएंगे, अगर उन 4 महीनों में मिल लिया तो कफारा देना पड़ेगा, और अगर फिर अगले 4 महीनों में नहीं मिला तो जैसे ही 4 महीने पूरे होंगे फिर उसकी बीवी पे 2 तलाक-ए-बाइन बढ़ जाएंगे। भाई मेरी समझ रहे हैं आप? इसलिए मैं कह रहा हूं ना, मसले की जो जड़ है उसे काबू में रखिएगा ताकि आगे समझना आसान। दोहराइए, आदमी ने कहा कि खुदा की कसम मैं तुझसे कभी नहीं मिलूंगा, तो शरीयत कहती है कि अगर 4 महीने से पहले मिल लिया तो बोले क्या होगा? सब बोलो भाई, कफारा देना पड़ेगा। और अगर 4 महीने पूरे हो गए तो पूरे होते ही इसकी बीवी को क्या पड़ जाएगी? 1 तलाक-ए-बाइन पड़ जाएगी। उसके बाद इसने मान लीजिए दोबारा निकाह कर लिया,
कर सकता है, जाइज है, क्योंकि एक तलाक बाइन के अंदर मैंने बताया निकाह दोबारा करके फिर रह सकते हैं साथ में, इसने फिर निकाह कर लिया। तो शरीयत ये कहती है कि जनाब ने जो कसम खाई थी वो अब भी चालू रहेगी, लिहाजा दूसरी बार निकाह करने के बाद अगर 4 महीने से पहले मिला तो फिर क्या देना पड़ेगा? कफारा। और अगर 4 महीने पूरे कर दिए तो जैसे ही वो पूरे होंगे तो अब क्या पड़ जाएगी बीवी को? 2 तलाके भाई, एक तो पहले हो ही चुकी है, दूसरी अब होगी। अजी समझ रहे हैं? फिर औरत की इद्दत चालू। अब ये चालू होने के बाद में फिर उसने इद्दत ही के अंदर या इद्दत के बाद उस औरत से तीसरी बार निकाह कर दिया, जायज है उसके लिए कर सकता है, तीसरी बार निकाह कर दिया। शरीयत का कहना यह है कि अब जब तीसरी मर्तबा भी निकाह होगा फिर वही वाली कसम दोबारा चालू हो जाएगी। अब अगर तुमने तीसरे निकाह के बाद 4 महीने में मुलाकात की 1 मर्तबा भी तो फिर क्या देना पड़ेगा? कफारा। और अगर अब कैसे ना की मुलाकात और 4 महीने पूरे हो गए, अब कैसे बीवी पे पड़ जाएंगी? कितनी? 3 तलाक। अब मामला खत्म। भाई समझ गए? इसका खुलासा क्या निकला? इसका खुलासा यह निकला कि किसी महामंत्री ने अगर ऐसा जुमला इस्तेमाल कर लिया है, अकलमंदी का तकाजा यही है कि पहली ही मर्तबा के जो 4 महीने उसी में चुपचाप मुलाकात कर ले और कफारा आसानी से अदा कर दे। सबसे ज्यादा सुकून की यही सूरत है। समझ शरीफ में आया? ये है मसला। इस अंदाज के अंदर शरीयत ने इसे यहां पे सारी की सारी तरकीब बयान की। अब जब वो आदमी थे जिनका मैं मसला अर्ज कर रहा हूं, कौन साहब? वही मूली साहब जिन्होंने इला किया था, अरबी की मूली। तो उनका क्या था मामला? उन्होंने लड़ाई हो रही थी दोनों में, इंतहाई जलाल की कैफियत, उसमें कहा कि जा खुदा की कसम अब नहीं तुझसे मिलना है। बस ये जुमला कहा और उसे रवाना कर दिया, वो घर चली गई। वो बंदा यहां सहारनपुर का बेगम थी, महाराष्ट्र की, वो वहां चली गई। जब वो मसला पूछने आया फिर वो जब बड़े उस्ताद से मिला, उन्होंने समझाया, तो वो बेचारा फिर वापस आ गए कि जी मैं समझा नहीं था वो मतलब। खैर फिर जब उससे बात हुई, मैंने कहा कि आपको कितना टाइम गुजर चुका, सबसे पहले तो ये बताओ मुझे ये जुमला कहे हुए कितना टाइम गुजर चुका। उसने जब मुझे बताया तो कहने लगा, हमने जब हिसाब जोड़ा तो सिर्फ 5 दिन बाकी थे 4 महीने पूरे होने में, 5 दिन। मैंने कहा बाबा बस 5 दिन है ये लास्ट, अब देख ले राजधानी पकड़नी या शताब्दी या इंडिगो और स्पाइस जेट, ये आपने देखना है। जो आपको वक्त के ऊपर उसके पास पहुंचा दे और फौरन आपकी मुलाकात हो जाए तब तो आपका मामला आसान हो जाएगा, और वरना अगर ये 5 दिन खत्म तो क्या हो जाएगी? 1 तलाक बाई, और फिर अगला निकाह करोगे उस तक भी पहुंचेगा मामला। कफारा तो जब भी देना पड़ेगा लेकिन टेंशन बढ़ जाएगी बिना वजह। उस बंदे की तो अजीब हालत होगी, एक तो मतलब एकदम से सुलह, इतनी तकड़ी लड़ाई हुई थी 3 महीने और कितने 25 दिन गुजर गए, कोई कॉल नहीं कुछ नहीं, और अब एकदम फोन करके गए जी मैं मिलने आ रहा हूं। तो वो जो आदमी की ईगो होती है ना वो भी तो हर्ट होती है कि जी अब कैसे जाऊंगे। मैंने कहा बाबा देख यही तरीका है, वरना 1 तलाक बाइन तैयार है,
पांच दिन के बाद अगर तेरा जहाज वहां लैंड नहीं हुआ महाराष्ट्र एयरपोर्ट पर, तो समझ तलाक बाइन यहां पे लैंडिंग हो जाएगी, फिर वो उतर जाएगी। अब उसने बेचारे ने टिकट कराया, टिकट करा करके वो वहां पे पहुंचा। वहां पे जब वो पहुंचा, आगे का मामला सुनिए। कहा जाता है ना कि जी जिसकी मौत आती है हालात ही अजीब हो जाते। अब जब वो वहां पहुंचा, मुझे फोन करता है कि इस वक्त में आ तो गया। ससुराल वाले भी हैरान रह गए कि भाई ना कोई टर्म ना कंडीशन, ये तो सुलह सुलह की बात कर रहा है और अच्छी अच्छी बातें। और जब ये अहलिया के साथ अकेले में को गया, मालूम हुआ कि वो अभी नापाकी के अय्याम में है। अब मुझे फोन करता है, जी मुफ्ती साहब अब ये मसला। मैंने कहा भाई अब इसका मैं क्या हल लाऊं। मैंने कहा फिर मुसल्ला बिछा, अल्लाह से दुआ कर। अभी तीन दिन है, दो दिन है तेरे पास में, देख कैसे मैनेज करना। खैर अल्लाह का करना ये हुआ कि दो दिन के बाद उसकी नापाकी के अय्याम पूरे हुए। बहरहाल इनकी मुलाकात हुई, फिर वहां से खुशी खुशी वापस आया। फिर आके कहता है कि जी बताइए कितना कफारा अदा करना। मैंने कहा बंदा मुझे पहली बार मिला है जिसने इतना स्ट्रगल किया है काहे के लिए, कफारा वाजिब कराने के लिए। कफारा वाजिब कराने के लिए बंदा इतनी मेहनत कर रहा है। अर्ज करने का मकसद है ये जुमले आप गौर कीजिए, हमारे मुआशरे में कितने लोग बोलते हैं। असल अब जो लुब्बे लुबाब है ना, मोरल ऑफ द स्टोरी उस पर आइए कि कितना ये जुमला बोला जाता है। और मर्द हजरात जरा जरा सी बातों में आकर के और जज्बात में इस तरह के जुमले आम है हमारे मुआशरे में, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है, क्या इसका नतीजा जाहिर हो रहा है, हमें और आपको उसका कुछ भी एहसास नहीं होता। इसलिए जरूरी है ये मसाइल और ये सारी की सारी बातें हमें और आपको अपने जहन में रखनी चाहिए हमेशा। तो अब सारी तफसील अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात के सामने आ गई। बहरहाल मान लीजिए उसने तीसरी मर्तबा निकाह कर लिया और चार महीने तक फिर नहीं मिला, तो अब उसकी बीवी को कितनी तलाक हो जाएंगी, तीन तलाक। और तीन के बाद अब तो ये उससे निकाह कर ही नहीं सकता। अब हमारे यहां बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं जो कहेंगे जी वो एक सुना है ना वो हलाला हलाला, वो नहीं बता रहे आप, अभी जरा सब्र रखें, वो आइंदा हफ्तों में आ रहा है, उसकी इंशाल्लाह इत्मीनान से डिटेल अर्ज करूंगा। हमने और आपने क्या उसका मजाक बना के रखा हुआ है, उसकी तफसील आगे आएगी। बहरहाल तीन हो गई, अब ये निकाह नहीं कर सकता, मामला खत्म। लेकिन मान लीजिए तीन के बाद अब ये तो बेचारा सुकून से बैठ गया कि जी अब मेरा तो कुछ हो नहीं सकता, उस औरत ने अब किसी दूसरे आदमी से निकाह कर लिया अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कि जी उसके साथ जिंदगी गुजारूंगी, नए आदमी से निकाह की। अल्लाह का करना उस नए शौहर ने उस औरत को तलाक दे दी या उस नए शौहर का इंतकाल हो गया, तो शरीयत ये कहती है कि अब जो ये पहले वाले अरबी के मूली थे इनसे निकाह करना उस औरत के लिए फिर से जायज है। अब वो औरत इससे निकाह फिर से कर सकती है, लेकिन क्या वो जो कसम चल रही थी वो लौट के आएगी? शरीयत का कहना है कि अब वो कसम दोबारा नहीं आएगी, अब आपका निकाह बिल्कुल फ्रेश होगा, अब ये कोई चार महीने या उसकी कोई भी कैद नहीं रहेगी, अब आपकी मर्जी जैसा चाहे रहो, अब ना कोई कफारा ना तलाक का मामला। भाई समझ गए सब हजरा, ये है तफसील।
अब जो ये इतनी सारी बात सुनी है इसका जरा खुलासा दोहरा दे, क्योंकि ये ही है सारी बुनियादी ईला की। अगर ये समझ में आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये ईला का मसला पूरा वाज़े हो गया। इसलिए मैं एक दरख्वास्त किया करता हूं कि यहां दरसे कुरान में अज अव्वल ता आखिर शरीक होने की कोशिश किया करें। अब ये बहसे जो है और ये बातें जो है, जाहिर सी बात है अगर आप शुरू में आधा घंटा 30 मिनट 40 मिनट निकाल करके दर्स में आ रहे तो जिस बंदे ने इब्तिदाई बातें नहीं सुनी उसको फिर ये आगे की बात बीच से समझ में नहीं आ सकती, मुमकिन ही नहीं है। इसलिए ये आम दर्स की तरह ना लिया करें कि जी ताखीर से भी चले जाएंगे कोई हरज की बात नहीं है। यहां ये समझा करें कि जब दर्स है तो अव्वल दर्जा यह है कि नमाज यही पढ़ने की कोशिश करें, वरना कम से कम औज़ु बिल्लाह जब पढ़ी जाए उस वक्त में हम यहां मौजूद हो ताकि हर बात बंदा समझ सके। वरना ये इल्मी मजामीन है, ये कुछ अगर निकल गया तो फिर समझ में नहीं आता। अब आप जरा मुझे फटाफट सुनाइए, फिर इसके ताल्लुक से एक दो आखिर की बातें वो अर्ज करके आयत का मैं दोबारा तर्जमा करूंगा। आप सबसे पहले यह बताएं कि आज हमारा मसला कौन सा था? सब बोले ईला। ईला का ईला के अंदर मैंने बताया लफ्ज और जुमले कितने हैं? तीन। पहला जुमला आदमी ने कहा मैं खुदा की कसम खाता हूं कि, पूरा पूरा जुमला कहें, चार महीने तक बीवी से नहीं मिलूंगा, ये पहला जुमला। दूसरा जुमला खुदा की कसम खाता हूं कि मैं बीवी से नहीं मिलूंगा। और तीसरा जुमला, हाँ, खुदा की कसम खाता हूं कि बीवी से कभी नहीं मिलूंगा। ये तीन जुमले। पहला जुमला अगर किसी ने कहा है कि चार महीने खुदा की कसम नहीं मिलूंगा, मैंने बताया अगर चार महीने से पहले मिला तो क्या देना पड़ेगा? कफारा। और कफारा क्या है बोलिए? नंबर एक, 10 गरीबों को 2 वक्त का खाना। नंबर दो, 10 गरीबों को कपड़ा, और या 3 रोजे। और अगर चार महीने पूरे हो गए तो चार महीने पूरे होते ही फौरन इसकी बीवी को क्या पड़ जाएगी? एक तलाके बाइन। तलाके बाइन एक का मतलब यह है कि ये इसके साथ दोबारा रह तो सकता है लेकिन क्या करना पड़ेगा? निकाह करना पड़ेगा, बगैर निकाह के साथ भी नहीं रह सकता। तो एक तलाके बाइन, बहरहाल उसके बाद ये निकाह करके साथ में रह लेगा, उसके बाद आगे कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि कसम चार महीने के लिए थी, वो टाइम पूरा हो गया, उसके बाद तलाक पड़ गई, इसने निकाह कर लिया, साथ में जिंदगी गुजार गए। लेकिन अगर आखिर के दो जुमले थे, दूसरा या तीसरा, तो अब ऐसी सूरत के अंदर मैंने ये बात अर्ज की है कि अगर चार महीने तक नहीं मिला तो क्या, चार महीने के अंदर मिल लिया तो क्या करेगा? बोलो भाई, कफारा देगा। और अगर चार महीने पूरे हो गए तो क्या पड़ जाएगी बीवी को? एक तलाके भाई। समझ गए? यहां तक तो वही है, लेकिन अब आगे फर्क शुरू होगा। क्या? कि तलाके बाइन पढ़ने के बाद अगर इसने उस औरत से क्या कर लिया? दोबारा निकाह। तो फिर अगर ये चार महीने से पहले पहले मिलता है तो क्या देना पड़ेगा? कफारा। और अगर फिर चार महीने तक नहीं मिला तो फिर क्या पड़ जाएगी? दूसरी तलाके बाइन, दूसरी हो गई। फिर उसके बाद इसने उस औरत से तीसरी बार निकाह किया, निकाह करने के बाद अगर शुरू के चार महीनों में मिल लिया तो क्या होगा? कफारा। क्या देना पड़ेगा? कफारा। और अगर शुरू के चार महीनों में नहीं मिला तो फिर इस बंदे के लिए क्या होगा?
औरत पर, सब बोलिए, तीन तलाक पड़ जाएंगे। अब ये उससे निकाह नहीं कर सकते। लेकिन उस औरत ने फिर किसी अलग आदमी से निकाह किया अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, फिर वहां से उसे तलाक मिली या उसका इंतकाल हो गया, तो फिर ये वाला आदमी इस औरत से दोबारा निकाह कर सकता है। और अब जब ये निकाह करेगा तो अब वो कोई भी टेंशन की बात नहीं आएगी, ना तो चार महीने में कफारे की, ना उसके बाद तलाक की, अब नॉर्मल ही अपनी जिंदगी गुजारेगा। भाई मेरे सब समझ गए अच्छी तरह? ये है पूरा खुलासा मसअला ईला का, जिसे अल्लाह ने सूरतुल बकरा आयत नंबर 226 और 227 के अंदर बयान फरमाया। ये मसला अल्लाह तबारक व तआला यहां पे जिक्र फरमा रहे। अच्छा, अब दूसरी बात समझनी ये है, एक दो बातें छोटी छोटी सी बाकी है वो और वाजे कर लूं, कि ये जो हमने दूसरे और तीसरे जुमले के अंदर पढ़ा, दूसरे और तीसरे जुमले के अंदर जो हमने पढ़ा कि वो बंदा चार महीने नहीं मिला तो बीवी को तलाके बाइन पड़ गई, फिर जब ये निकाह करेगा तो फिर अगर ये चार महीने तक मिल लिया तो क्या देना पड़ेगा? कफारा। यहां पे सवाल ये है कि ये जो अगले चार महीने गिने जाएंगे इसकी काउंटिंग कहां से शुरू होगी? यानी ये जो अगले चार महीने आप गिनेंगे इसकी काउंटिंग कहां से शुरू होगी? भाई शुरू में तो जब वो दोनों शौहर बीवी बन के रह रहे हैं, जब उसने पहली बार ये बोला है कि मैं तुझसे खुदा की कसम कभी नहीं मिलूंगा, तब तो जैसे ही ये जुमला कहा है तब से उसके चार महीने गिनने शुरू। उससे पहले मिल लिया, चार से पहले तो कफारा, वरना तो तलाके बाई। लेकिन इसने उसके बाद दोबारा उससे निकाह कर लिया तो फिर चार महीने तक मिलने पर कफारा। तो अब जब दोबारा इसने निकाह किया है तो ये चार महीने कब से गिने जाएंगे? ये मसला जरा समझिएगा। शरीयत का कहना यह है कि ये देखा जाएगा कि अगर इसने उस औरत से निकाह किया इद्दत के बाद, यानी उस औरत की इद्दत खत्म हो चुकी थी, उसके बाद उस औरत से निकाह किया, तो ये चार महीने गिने जाएंगे उसके निकाह के टाइम से। जैसे उसने निकाह किया उसी दिन से चार महीने काउंट होंगे अगर इद्दत के बाद उसने निकाह किया। लेकिन अगर मान लीजिए इद्दत के दौरान ही उसने निकाह कर लिया, अभी इद्दत चली रही थी और इस बंदे ने यहां पर निकाह कर लिया, तो अब चार महीने कहां से गिने जाएंगे? निकाह से नहीं गिने जाएंगे, बल्कि जिस दिन तलाक पड़ी है उस दिन से चार महीने जुड़ेंगे। जिस दिन से तलाक पड़ी उस दिन से चार महीने जुड़ेंगे। ये अभी आपको समझ में अच्छी तरह से नहीं आया हो, वो आपके जो चेहरों का अंदाज होता है ना उसी से समझ में आ जाता है कि ये चीज अभी फिलहाल ऊपर से गई है, कोई हरज नहीं, इसको भी हम नीचे लाते हैं। दोबारा आइए अपने मसले पर। आदमी ने नॉर्मल रहते रहते कह दिया खुदा की कसम मैं तो उससे कभी नहीं मिलूंगा, तो अब तो चार महीने जैसे ही ये जुमला कहा है तभी से गिने जाएंगे और वो हो गए पूरे, और क्या पड़ गई? तलाक। अब औरत ने इद्दत करनी शुरू कर दी और मान लीजिए एक महीना हो गया इद्दत का, उसके बाद आदमी ने दोबारा इससे निकाह कर लिया, इद्दत का एक महीना गुजर चुका था फिर आदमी ने दोबारा निकाह कर लिया, तो शरीयत कहती है कि निकाह करने के बाद फिर अगर चार महीने में मिला तो कफारा देना पड़ेगा।
तो ये जो चार महीने हैं ये निकाह के टाइम से नहीं जोड़ेंगे बल्कि तलाक जब पड़ी थी उस टाइम से जोड़ेंगे, यानी इसे कहा जाएगा निकाह के 3 महीने के अंदर अंदर मिल लिए तो कफारा, निकाह को 3 महीने अगर गुजर गए तो क्या पड़ जाएगी, 2 तलाकें पड़ी, क्योंकि 1 महीना पहला हो चुका है और 3 महीने निकाह के बाद के इनको पूरे टाइम को मिलाया जाएगा, लिहाजा 4 महीने के एतबार से उस पर हुक्म लगेगा। ये चीज ज़हन में रखिएगा। इसी तरह एक और मसला इसी से मुताल्लिक आपके बहुत सारों के ज़हन में आ रहा होगा कि जी अगर किसी ने 40 की कसम ना खा करके 40 से कम की खा ली, बहुत सारों को उलझन हो रही होगी शुरू बयान से लेकर अब तक कई बार ये दिमाग में दस्तक हुई होगी कि जी 40 ही क्यों को खाएगा कोई, या 4 महीने ही की क्यों खा रहा है, 40 नहीं बल्कि 4 महीने कि 4 महीने ही की क्यों खा रहा है, 4 महीने से कम की भी तो खा सकता है। अगर किसी ने 4 महीने से कम की कसम खाई तो क्या होगा, इसका भी समझ लीजिए। मिसाल के तौर पर किसी आदमी ने कहा खुदा की कसम मैं 2 महीने तुझसे नहीं मिलूंगा, कितना 2 महीने, तो शरीयत ये कहती है कि ये बंदा ईला करने वाला नहीं कहलाएगा, ईला के लिए कम से कम 4 महीने या उससे ज्यादा, कम से कम 4 महीने, उससे कम अगर है तो ये ईला करने वाला नहीं है। अब तो ये कहा जाएगा कि इस बंदे ने वैसे ही कसम खाई है कि जी मैं 2 महीने नहीं मिलूंगा। अब अगर ये बंदा 2 महीने तक उस औरत से नहीं मिला, कसम पूरी हो जाएगी, उसके बाद इसके लिए मिलना उससे जायज हो जाएगा, और अगर 2 महीने से पहले मिल लिया तो कसम तोड़ने की वजह से क्या देना पड़ेगा, कफारा, लेकिन वो ईला वीला का मसला नहीं आएगा। बस ये सिंपल, अगर इस तरह से ये मामला पेश आए तो ये ईला की जो बात है और इस अंदाज का जो मामला है ये जब ही है जब कम से कम कितने महीने का हो, 4 महीने या उससे ऊपर का मामला, उससे कम के अंदर सिर्फ कसम का मसला होगा, ईला का मसला नहीं होगा। कुरान पाक की आयत अभी मैं सुनाऊंगा आप हजरात को, यही बताती है कि इसके लिए 4 महीने में आ रहे, कम से कम ये होना चाहिए। तो ये तो सारी तफसील है ईला के ताल्लुक से आप हजरात के सामने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल मसला मैंने वाजे कर दिया। अल्लाह की जात से उम्मीद है ये हमारे जहन में आ भी गया होगा, भाई समझे भी हैं या नहीं सबको, बड़ी मेहनत का है ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मसले समझना समझाना इतना कोई आसान अमल नहीं है, तो इसलिए अगर जहन में आपके बैठ गए अल्लाह के शुक्र की बात है, और हमें और आपको इसको बिठाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शरीयत के मसले जितने बंदे को याद हो उतनी अच्छी बात है। कब पता नहीं कहां क्या मसला पेश आ जाए, हमें नहीं आ रहा किसी दूसरे को पेश आ जाए, पता होगा तो कम से कम आदमी रहबरी कर सकता है। आखिरी बात कि ये तो ईला का मामला है दुनियावी एतबार से, बाकी अल्लाह के यहां ये बात याद रखिएगा कि अगर ईला शौहर बीवी की आपस की खुशी से हो, यानी दोनों राजी हो के ईला कर लो, तो शरीयत का कहना यह है कि फिर ये अमल जायज है, कोई इसमें कराहत नहीं है, आदमी कर सकता है अगर दोनों शौहर बीवी इस पे राजी कि जी चलो ईला कर लो। क्या होगा इसका फायदा कि दोनों को वो एक फीलिंग कि अलग होने के बाद तलाक, वरना तलाक एकदम से दे दी बाद में पता लगता है कि नहीं रहा जा रहा, ईला के अंदर क्या मिलेगा आदमी को, मौका मिलेगा
ईला के अंदर आदमी को क्या मिल जाता है, मौका मिल जाता है कि आप कसम खा करके अलग रह के देख लो कि रह भी सकते या नहीं रह सकते। और चार महीने के बाद तो वैसे भी क्या पड़ जाएगी, तलाक। उसके बाद अगर नहीं रहना है तो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाना, और अगर दिल करे रहने का तो बस निकाह दोबारा पढ़वा लेना, एक ऑप्शन है। तो शरीयत ने कहा अगर दोनों राजी हो तो फिर यह अमल जायज है या ना जायज, जायज है। शरीयत ने कहा जायज है, कर सकते, शौहर गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा मामला नहीं है तो बिना वजह फिर शौहर के लिए ईला करना और ईला के मामला करना ये अमल सही नहीं है, शरीयत में पसंदीदा नहीं है। क्योंकि वही बात है कि ये जुदाई की बुनियाद है और शरीयत इसको पसंद नहीं करती जब तक के मामला बिल्कुल हलक तक ना पहुंच जाए, उसके बाद करेंगे तो बहरहाल गुंजाइश है। लेकिन बिना वजह जुदाई शरीयत पसंद नहीं करती कि निकाहों को खत्म किया जाए और शौहर बीवी अलहदगी इख्तियार करें, यह कोई पसंदीदा अमल नहीं है। इसलिए शरीयत ने कहा कि अगर ऐसा मसला नहीं है तो यह अमल आदमी को नहीं करना चाहिए। अब आयत मुबारका का मैं तर्जमा सुनाता हूं आपको, अब सुनिए आप अल्लाह ने जो ये दो आयतें बयान फरमाई हैं, अल्लाह इन आयत में कितने प्यारे अंदाज में कितने मुख्तसर तरीके पर ये सारी बात अर्ज फरमा दी है। क्या कहते हैं अल्लाह, सुनिए आयत 226 सूरतुल बकरा, फरमाया लिल्लदीन युलूना मिन निसाइहिम, अल्लाह फरमाते हैं वो लोग जो ईला करते हैं अपनी औरतों से। अब ईला क्या है, कैसे होता है, क्या इसके आदाब है, क्या आकाम है, ये सब बातें कुरान पाक में नहीं। कुरान बिल्कुल मेन चीज जिक्र करता है, डिटेल नहीं करता हर चीज की, वरना तो ये कहां इतनी सी जगह में कहां आ जाता, कैसे जखीम दफ्तर के दफ्तर चाहिए होते अगर इतनी डिटेल हर चीज की लिखी जाती अलग से। ये तो सब उलमाए उम्मत का एहसान है, उलमाए उम्मत का एहसान है, अल्लाह के कुरान और पैगंबर की अहादीस को सामने रखकर ये सारे मसले किताबों में तहरीर फरमा दिए हैं। इतनी मेहनत से ये सारे मसले कुरान हदीस से निकालकर पूरी उम्मत के सामने दस्तरखान पे सजा के पेश कर दी कि बस अब इन मसलों को पढ़ लो और आसानी से अमल कर लो। अल्लाह फरमा रहे लिल्लदीन युलून मिन निसाइहिम, वो लोग जो ईला करते हैं अपनी औरतों से। अब आप ईला, ईला के अल्फाज, ईला करने वाले सब समझ रहे होंगे। अल्लाह कहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, तरबुसु अरबाती अशुर, चार महीने इंतजार करना है। क्या करना है, चार महीने इंतजार करना, क्योंकि ईला का जो रिजल्ट है वो कब आएगा, चार महीने के बाद। उससे पहले तो अगर आप मिले तो कसम टूटेगी, ईला का जो रिजल्ट है यानी तलाक बाइन वो तो चार महीने के बाद है। तो अल्लाह कह रहे हैं जो ईला कर रहे हैं अपनी औरतों से उन्हें इंतजार करना पड़ेगा, कितने महीने, चार महीने, अरबाती अशहुर, चार महीने। अरबा अरबी जबान में चार को बोला जाता है और महीने को मंथ जिसे हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं, महीना उर्दू में कहते हैं और फारसी में उसे माह कहते हैं, अरबी जबान में उसे शहर बोलते हैं। एक है शहर जो हमारे यहां बोला जाता है सिटी के माना में, वो अलग है, ये है शहर, शीन पर जबर। तो अरबी में महीने को क्या बोलते हैं, शहर। कुरान की एक आयत आपने सुनी होगी, शहरु रमजान अल्लदी उन्ज़िल फीहिल फुरकान, अल्लाह फरमाते हैं रमजान का महीना, शहरु रमजान, रमजान का महीना।
इसी तरह अगर आप बोलेंगे शहरुल मुहर्रम तो क्या मतलब होगा? बोलो भाई, मुहर्रम का महीना। शहरु जुल्कादा क्या मतलब होगा? जुल्कादा का महीना। शहरु शव्वाल क्या मतलब? शव्वाल का महीना। शहरु नवंबर, नवंबर का महीना। हम लोग तो आते ही ना खिचड़ी के, हलीम के, सब चीज को मिक्स करके तैयार करने के, तो इसमें भी कर लें, जबानों को भी कर दें तो क्या हर्ज की बात है। तो आधी अरबी जैसे आजकल चल रहा है ना, मैं देख रहा हूं क्रेज चल रहा है इसमें, हर होटल अपना जो खोल रहा है उसमें अल लगा रहा है। अल आप देखिएगा, अब मैं मिसाल नहीं दे रहा यहां बैठ के कि मैं नाम गिनवाऊं और ना आप भी कहेंगे आपने भी अच्छे खासे नाम याद कर रखे। जो भी होटल खोल रहे हैं ना, वो आजकल देखना जो मुस्लिम इलाकों के अंदर होटल खोल रहे हैं, जो नॉन वेज है खास तौर से, वो अल लगा के अपना नाम रख रहे हैं। तो लोग समझते हैं शायद ये अल का कोई खास मतलब होगा। कोई मतलब नहीं है इसका भाई, कोई मतलब नहीं है। ये तो अरबी जबान की खासियत थी कि अरबी जबान के अंदर जो अल्फाज हैं, जब उन्हें बोला जाता है तो उन पर अलिफ लाम लगा दिया जाता है। जैसे किताब, उर्दू में बोल रहे हैं किताब, लेकिन अरबी में जब बोला जाता है इसे कर दिया जाता है अल किताब। क्या कर देते हैं? अल किताब, अरबी की खासियत। हम्द, हम्द के माना तारीफ, लेकिन कुरान ने कहा अल हम्द, अल लगा दिया हम्द के माना तारीफ। यह अरबी जबान की खासियत है। कुरान हदीस सब जगह पर अरबी में अलिफ लाम लगाते थे। तो इन लोगों को पता नहीं क्या पसंद आया होटल वालों को, इन्होंने हर होटल में अल 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 लगाना शुरू कर दिया। हम लोग सोचते कि पता नहीं अल के क्या माना खास हो, कुछ भी नहीं, बस ये अरबी जबान की वो थी और सब ने इसको इस्तेमाल कर लिया। मिसाल में दे रहा था कि थोड़ी सी जबान, कोई सी थोड़ी सी भी कोई सी चल जाती है। तो शाहरु नवंबर, शाहरु अक्टूबर, लेकिन ज्यादा नहीं, कभी शाहरु अक्टूबर कह दे, ये ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। अक्टूबर नहीं, अक्टूबर कह सकते ता, क्योंकि अरबी के साथ में ना ता नहीं आता कभी। अरबी में ना ये जो टेंशन वाले अल्फाज नहीं आते जो उर्दू में है, फारसी में, जैसे पा, ता, गाफ, रा, ये सब अरबी में नहीं है। वहां तो बहुत चुनिंदा अल्फाज हैं कि जिंदगी भर हलक में प्रैक्टिस करते रहो, वो नीचे के कौन सा कहां से निकलना वो ही निकल जाए तो बड़ी बात है। तो आप कह सकते हैं अगर बोलना चाहे तो शहरु नवंबर के माना क्या होंगे? नवंबर का महीना, आदमी इस अंदाज में कह सकता है। हमारे बहुत सारे अल्फाज, मैंने पहले भी मिसाल दी है, एक लफ्ज बोला जाता है 100%, कहते ना 100% यही बात है। कभी आपने इसको अलग अलग करके देखा कि हमने इसमें क्या जबरदस्त खिचड़ा बना दिया? 100 उर्दू जबान से लाए, फी अरबी जबान से, और सद फारसी जबान से, 100%, तीन जबानों का मजमुआ है, एक जुमला हमारे यहां। माशाल्लाह हम एक वक्त में अपनी हिंदुस्तानी भी, पर्शियन भी और अरबियन भी, हर जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। यह हुनर तो सिर्फ हिंदुस्तानियों के पास है, अहले अरब महरूम है इससे, वो तो बोलेंगे तो सारी अरबी बोलेंगे। तो अरबाती अशुर, मेरे रब ने कहा कि जो लोग ईला करेंगे अपनी औरतों से, वो इंतजार करेंगे ईला के लिए कितने का? 4 महीने का।
فَإِنْ فَاؤُوا, اللہ نے کہا اگر چار مہینے سے پہلے وہ رجوع کر لیں, یعنی ایلا کی جو طلاق ہے وہ تو پڑے گی چار کے بعد, لیکن اگر وہ چار سے پہلے رجوع کر لیں یعنی مل لیں شوہر بیوی آپس میں, تو اللہ نے اس کو بھی نہیں کھل کے بتایا, آگے کہہ دیا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, اللہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا. اب یہ ڈیٹیل ہمیں حدیثیں بتاتی کہ اگر وہ چار سے پہلے مل لے, کیا مطلب اللہ معاف کرنے والا ہے, یعنی جو تم ایلا کرنے جا رہے تھے وہ ایلا کینسل ہو گیا, اللہ نے ختم کر دیا اس ایلا, لیکن کچھ تو بھگتنا پڑے گا. وہ حدیث نے بتایا کہ جناب کفارہ دینا پڑے گا کیونکہ قسم توڑی ہے. آگے کہتے ہیں اللہ آیت نمبر 227 227 میں وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقِ, اگر وہ رجوع نہ کریں اور انہوں نے پکا ارادہ کر لیا وہ طلاق ہی کا, یعنی اگر وہ چار مہینے تک نہ ملیں اور طلاق ہی کرانی چاہیں, فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر میں تمہاری چیزیں سن بھی رہا ہوں اور جانتا بھی سب ہوں, پھر تم جیسا چاہ رہے ہو اسی طرح سے ہو جائے گی طرح. اللہ نے اتنی بات کہی ہے, بات ختم, پورا علاقہ مسئلہ اس میں آ, اور وہ ہم نے اور آپ نے سمجھا الحمدللہ. تمام قرآنی آیات احادیث اور علماء کی لکھی ہوئی عبارات کی روشنی میں اللہ سے میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی خود مجھ کو بھی اور آپ سب حضرات کو ان تمام باتوں کو صحیح سے سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے جو ہمارے مسائل ہیں انتہائی اہم چل رہے ہیں اور بڑے, یہ سمجھ لیں ہمارے معاشرے کی اہم ضرورت کے ہیں, طلاق عدت یہ سارے مسئلے لائن سے چلیں گے. مرد حضرات سے بھی درخواست ہے اور عورتوں سے بھی کہ وقت کے اوپر پہنچ جایا کریں تاکہ ہمارے مسئلے نہ چھوٹیں اور مکمل سننے کے ساتھ پھر ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ کہہ رہے ہیں غیر مسلم قوم سے نبی کی قوم ہے, کہاں سے چلے ہیں. بھائی نبیوں کی قوم نہیں ہے, نبیوں کی تعلیمات نہیں ہے, البتہ نبیوں کی تعلیمات کے اندر لوگوں نے اپنی من پسند چیزوں کو داخل کیا اور پھر اس کے نتیجے میں یہ سب خرافات ہمارے معاشرے کے اندر پھیلتی چلی گئی. تو لوگوں نے نبیوں کی تعلیمات کو بگاڑ کر کے جو راستے نکالے اس سے پھر یہ نئے نئے طریقے ہمارے یہاں وجود میں آئے. باقی ایسی تعلیم کسی نبی کی نہیں ہے جس میں کفر اور شرک کی تعلیم ہو, یہ اللہ نے کسی نبی کو لے کر کے نہیں بھیجا. ہر نبی صرف اور صرف توحید کی تعلیم لے کر کے دنیا میں آیا ہے. کہہ رہے مفتی صاحب آئزہ نام کے معنی کیا ہے؟ آئزہ یہ صحیح نام ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی پناہ میں رہنے والی, تو یہ نام اچھا ہے یہ رکھا جا سکتا ہے. کہہ رہے ہیں سفر کی قضا اگر سفر میں ادا کریں تو قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے؟ سفر کی قضا نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو چاہے سفر میں پڑھیں یا وطن میں پڑھیں اس سے قصر ہی کریں گے. دوبارہ سن لیں میرے الفاظ, سفر کی کوئی سی نماز قضا ہوئی پھر ہم اسے ادا کر رہے ہیں, چاہے سفر میں ادا کریں یا گھر آ کے ادا کریں, ہم اسے قصر ہی پڑھیں گے پوری نہیں پڑھیں گے. آگے انہوں نے لکھا اور اگر مقام پر لوٹ کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں؟ تو یہ میں نے بتا ہی دیا کہ آپ چاہے وطن لوٹ کر پڑھیں یا سفر میں ہی پڑھیں, جو نماز سفر کی ہے قضا وہ قصر ہی پڑھی جائے گی, اور جو ہماری مان لیجئے گھر پہ رہتے ہوئے نماز قضا ہوئی ہے اسے اگر ہم یہی گھر پہ رہتے ہوئے قضا کریں گے تب بھی پوری پڑھیں گے.
और सफर में जाने के बाद अगर हमें कहीं नमाज का टाइम मिला, हमने सोचा लाओ कजाए उमरी पढ़ लें, जो हमारी अपने वतन में छूटी है, तो वतन की नमाज को जब कजा करेंगे सफर में, तब भी उसे पूरा ही पढ़ेंगे, उसे आधा नहीं किया जाएगा। समझ में आ गए ना? उसे मुकम्मल ही पढ़ा जाएगा। और कसर के अंदर ये बात याद रखें, वैसे मैं बार बार बता चुका हूं लेकिन लोग पूछते, हैरत होती है कि कसर का मतलब है फजर में आप दो रकात, जोहर के अंदर दो रकात, असर के अंदर दो रकात, मगरिब में तीन रकात और ईशा में पांच रकात पढ़ेंगे। समझ गए सब? ईशा में पांच, दो फर्ज और तीन वितर, दो फर्ज और तीन वितर। तो ये सारी पांचों नमाजों की रकात मैंने बता दी सफर में। अब सुन्नतें लोग पूछते हैं कि जी सुन्नत पढ़े या ना पढ़े। अगर आपके पास टाइम है तो आप सुन्नतें पढ़ लो, और अगर टाइम नहीं है तो छोड़ दो, कोई गुनाह की बात नहीं। वक्त हो तो पढ़ लिया करें, टाइम ना हो तो छोड़ दिया करें। अगर अपने वतन में सुन्नत मौकदा छोड़ेंगे तो गुनाहगार होंगे, लेकिन सफर में छोड़ देंगे अल्लाह गुनाह नहीं देंगे। लेकिन अगर टाइम हो तो पढ़ लेनी चाहिए, सवाब मिलेगा। भाई सब समझ गए? एक चीज ये भी याद रखना कि अभी मुझे एक बड़ा ही अल्लाह वाला आदमी मिला, वो तो ज्यादा ही पहुंचा हुआ था। उसने क्या बताया? कहने लगा कि जी मैं तो सफर में जब टाइम होता है, पूरा अल्लाह के शुक्र से टाइम है, तो हम आधी क्यों पढ़े? अल्लाह ने हमें टाइम दिया, फुर्सत दी है, वक्त दी है, तो कहता है कि मैं तो पूरी पढ़ता हूं। टाइम है, फुर्सत है, वक्त है, तो मैं पूरी ही पढ़ता हूं। तो ये जरा ज्यादा बुजुर्गी हो गई, इतनी बुजुर्गी दिखाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने जब हमें कह दिया, नबी ने कह दिया कि जी आधी पढ़नी, आधी ही पढ़ो। अगर आपने जोहर को चार पढ़ा, अगर इमाम के पीछे पढ़ रहे तो कोई हरज नहीं। सफर में है आप और कहीं कोई इमाम नमाज पढ़ा रहा है जोहर की, तो उसके पीछे तो चार ही पढ़ेंगे, कभी दो पढ़ के सलाम फेर दे, इमाम के पीछे चार ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर अपनी पढ़ रहे तो चार पढ़ना जायज नहीं है, दो रकत ही पढ़ेंगे। अगर चार पढ़ी तो नमाज नहीं होगी। अगर आपने पूरी चार पढ़ी अपनी तो नमाज नहीं होगी, उसे दोहराना पड़ेगा। तो इसलिए आदमी को जरा बुजुर्गी में थोड़ा लिमिटेड ही रहना चाहिए, उससे आगे ना निकला करें। कह रहे मालूम करना है फर्ज नमाज के बाद जब दुआ मांगी जाती है तो शुरुआत में दुरूद पढ़ा जाए, अगर दुरूद के अलावा अल्लाहुम्मा अंतस सलाम पढ़े तो क्या ठीक है? देखिए फर्ज नमाज का सलाम फेर दिया, उसके बाद आप दुआ कर रहे हैं अल्लाह से, इसमें आप पूछ रहे हैं कि पहले क्या मांगे। सबसे पहले दुआ का अदब है अल्लाह की तारीफ कीजिए। आप अल्लाह की तारीफ, और जो भाई ने यहां लिखा पर्ची में अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, ये भी अल्लाह की तारीफ है, आप ये भी कर सकते। तो सबसे पहले वो दुआएं पढ़ें जो अल्लाह की तारीफ की, अल्लाह की बड़ाई बयान, फिर उसके बाद दुरूद पढ़ें जो भी आपको याद हो, और उसके बाद अपनी जरूरियात अल्लाह से मांगा करें। तो ये तरीका है दुआ का, और इसके मुताबिक हमें चाहे फर्ज नमाज के बाद की दुआ हो या किसी और वक्त की, सारी दुआएं इसी अंदाज में करनी चाहिए। दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर रहमानिर रहीम والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسيح الدجال। या अल्लाह आप रहमान रहीम हैं,
अल्लाह आप बड़े करीम है, या अल्लाह आप गफूर रहीम है। अल्लाह आपने हमें करोड़ों नेमतें बगैर मांगे आता फरमाई है। अल्लाह हम आपकी एक नेमत का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। या अल्लाह जहां इतनी सारी नेमतें आपने हमें दी हैं, हमारी दरखास्त है कि हम सबको मगफिरत भी आता फरमा। या अल्लाह हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ फरमा। या अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत वाले आमाल की तौफीक अता फरमा। नाराजगी वाले आमाल से हम सबकी हिफाजत फरमा। मेरे मौलाए करीम यहाँ जितने हमारे भाई बहन शरीक है, अल्लाह सब कुरान सीखने यहाँ पर आए हैं, आपके कुरान की कलाम की मोहब्बत में आए हैं। अल्लाह सबके आने को कबूल फरमा। अल्लाह सबकी दुनिया की और आखिरत की तमाम हाजतों को पूरा फरमा। या अल्लाह हर तरह की खैर सबको अता फरमा, हर शर से हर एक की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो मुसलमान भाई कारोबार में परेशान है उन्हें हलाल रोजी अता फरमा। या अल्लाह जो रिश्तों के लिए परेशान है, घर में बच्चे और बच्चियां हैं, अल्लाह उन्हें नेक रिश्ते अता फरमा। या अल्लाह हमारे घरों में मोहब्बतें पैदा फरमा, झगड़ों से हमारे घरों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो औलाद के लिए परेशान है उन्हें नेक औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिनको औलाद है उन्हें अपने माँ बाप का फरमा बरदार बना। या अल्लाह जो हरमैन शरीफैन जाना चाहते हैं, अल्लाह उनके लिए अजबाब पैदा फरमा। अल्लाह वहां की हाजिरी हम सबको बार बार अता फरमा। मेरे मौलाए करीम हर बीमार को शिफा अता फरमा। अल्लाह मकरूजों के कर्ज की अदायगी के अजबाब पैदा फरमा। या अल्लाह इस मजलिस में हमने जितनी दुआएं मांगी हैं, हमारे आका सरवरे दो आलम जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में कबूल फरमा। وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين.